अच्छा, जो बना रही थी आपके सामने वो पहले ही अभी बन रहा है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये बना तवे पे, लेकिन मैं एक निगाह जरा देख लूँ, अवन पे भी डाल लेती हूँ निगाह कि भाई वहाँ की क्या पोजीशन है। ये बन रहे हैं भाई, अभी इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, आई थिंक 2 मिनट लगेंगे, हार्डली 2 मिनट, और उसके बाद ये हो जाएंगे। तो मैं इनको निकाल लूँगी, 1 और 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे वही पानी भी है और घी लगाऊंगी। इसमें भी इसी तरह कर सकते हैं आप चाहें तो, जैसे कि मैं कर रही थी, नहीं तो आप तवे पर भी लगा सकते हैं। और ये मसाला थोड़ा सा तवे पर, ये होता है कि मसाला थोड़ा सा निकल जाता है, तो और दबा दें तब भी निकलता है थोड़ा सा, तो क्योंकि जाहिर है हमें इसमें पलटना होता है, और जब इसे पलटा जाता है तो फिर ये अलहदा कर देता है मसाले को। अच्छा, इसके अलावा जब तक ये हो रहा है, ये तो मैं बना ही लूँगी, साथ ही मैं कर रही हूँ बघार की तैयारी। और बघार की तैयारी के अलावा फ़िलहाल इसमें जा रही हैं 2 से 3 अदद मिर्चें, हरी मिर्चें, चाहे तो ऐसे काट लें, चाहे तो ऐसे करके जैसे हम स्लाइसेस बना लेते हैं उस तरह भी आप इसमें डाल सकते हैं, हरी मिर्चें। और जी, 1/2 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई काली मिर्चें, ये पिसी हुई हैं, मैं फ्रेशली मिल्ड इसमें नहीं डाल रही हूँ, ये बिल्कुल पाउडर है वो डाल रही हूँ, 1/2 चाय का चम्मच, ये हुआ। और इसको मिक्स करूँगी, सॉल्ट को भी चेक करना है, सॉल्ट इसमें बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जैसे कि मैं कहती हूँ हसबे जायका, बहुत तेज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने तेज़ किया तो इस दाल में कड़वाहट आ जाएगी। और इस दाल के बारे में इसकी ये खूबी और बता दूँ मैं कि ये दाल जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उनको ग़िज़ा के तौर पे दे सकते हैं आप ये दाल, और जैसे अभी मैंने बनाई है इस तरह बना सकते हैं, और जैसे भी आपको दिल चाहता है उस तरह से भी आप इसमें बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसे चेक करूँगी, जितना भी नमक डाला था वो मैंने आपके सामने ही डाला था, और अब डाला है मैंने, देख लेते हैं, 2 मिनट रखना पड़ेगा और उसके बाद ही इसको हम फाइनल कर देंगे। पराठा भी देखना है, पराठे पे जैसे सॉरी पराठा कह रही हूँ मैं, हरा भरा नान जो है वो आपने थोड़ा सा घी लगाने के इसके, अच्छा ऊपर तो मैंने लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें अलहदा से भी लगाना तो लगा सकते हैं। ये हो गया। अच्छा जी, अब हो रही है बघार की तैयारी, और बघार की तैयारी के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो भी झटपट लिख लीजिए। इसके लिए तो मुझे सबसे पहले तो 1 अदद चाहिए होगा फ्राइंग पैन, और ये यहाँ आ गया ये ज़रा लग गया मुझे। अच्छा, इसके लिए चाहिए होगी 1 प्याज हमें, और इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ असाफ़तीदा या हींग, बहुत ही थोड़ी सी इस्तेमाल होती, जस्ट अ पिंच ऑफ इसको इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा अगर आपने इस्तेमाल की तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है टेस्ट में, फ्लेवर में और स्मेल में, सारी चीज़ें इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, ये स्पाइस के तौर पे यूज़ की जाती है, और इस दाल में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि ये इसमें दाल में जिसको के आम तौर पे आम लैंग्वेज में कहा जाता है कि बादी होती है, देर से हजम होती है, तो उसमें ये हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 5-6 आप ले लीजिए साबुत लाल मिर्चें, 1 प्याज है, और इसके अलावा 1/2 चाय का चम्मच मेरे पास पिसा हुआ गर्म मसाला, और 1.5 चाय का चम्मच मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ी सी मैं अदरक भी इसमें डालूंगी, और इसमें डालूंगी जनाब मैं खालस घी, अपने पंजाब दा खालस घी, पंजाब दा क्या, हमारे सारे गांव वगैरह में सब जगह असली घी को ही इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी आ गई है जी अदरक, अदरक मैंने आपको बताया कि इस दाल का बहुत ही मेन पार्ट है, बहुत ही मेन इन्ग्रीडियंट है, तो इसको आप इसमें इस्तेमाल कीजिए, दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं बघार तैयार कर रही हूँ, थोड़ी सी प्याज और चाहिए होगी, इसमें प्याज ज्यादा डालें अच्छी लगती है। अच्छा, ये आ गई है प्याज, इधर डाल दी है मैंने अदरक थोड़ी सी, प्याज भी आ गई है, और अब इसमें मैं डालूंगी असली घी,
प्योर घी जिसे हम कहते हैं, हमारे गांव में दूध से निकाला जाता है मक्खन, उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। प्योर घी अगर कहते हैं तो वो अंग्रेज़ी में लोग कुछ और उसको समझते हैं कि यानी घी प्योर घी है, यानी उसको वेजिटेबल ऑयल से जो बनाया जाता है वही कंसिडर किया जाता है, बट मैं इसमें असली घी को इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप जितना चाहें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड कि आप क्या चाहते हैं। और अगर एक ही दिन थोड़ा लेविश खाना खाना चाहते हैं कि जी बड़ा रिच होना चाहिए, तो एक दिन खा लें उसके बाद में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डाल दी है, इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी। और दाल जो है वो दम पे आ चुकी है, दाल खिली खिली है इसमें, और प्याज इसमें ब्राउन होगी। और थोड़ा सा डार्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बघार के लिए प्याज थोड़ी डार्क होनी चाहिए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद जल गई है, वो मैं पर्पज़ली करती हूँ उसको, और इसके लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी देती हूँ कि प्याज जो है आपकी ऐसी होनी चाहिए। भाइयों क्यों याद नहीं दिलाते मुझे, अगर नान को कुछ हुआ ना ये भाइयों का कसूर होगा। होगा, ब्यूटीफुल नान। भाइयों बच गए तुम लोग। देखें जी, मैं इसको फिलहाल यहां रखती हूँ और उसके बाद स्लाइटली डार्क हुए, स्लाइटली बट ज्यादा नहीं हुए। अच्छा जी, और अब मैं इस पर घी लगाऊंगी। जब गरम गरम हो तभी घी लगा दें, ऐसे तो हमने उस वक्त भी लगाया था, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा घी चाहिए तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्याज इस तरह हो गई है, चुटकी भर जो मुझे हींग डालनी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी मोटी है लेकिन ये कि जिसके मुँह में आएगी बस। अच्छा खैर, पाउडर कर लीजिएगा घर में। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल दिया था, ज़ीरा, क्योंकि ये तैयार हो गया था। ज़रा सा और इसको कर लूँ, और ये हो गया है तैयार। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ये आ गया मिक्स, और बघार है तैयार, ठीक है जी। और ये इसके ऊपर आ रहा है, बहुत ही अच्छा बघार है ये। और प्याज थोड़ी सी डार्क, मैं हमेशा ही कहती हूँ अगर करते हैं तो बघार आपका बड़ा अच्छा बनता है। चलिए जी, ये बघार हुआ इस दाल के लिए तैयार, और बकिया बघार मैं डाल दूंगी इसमें, और बघार डाल के मिक्स कर दें। सिजलिंग साउंड आई है पर हल्की है थोड़ी, कोई बात नहीं है क्योंकि जाहिर है इतनी ही आ सकती है इस वक्त को। चलें जी, बहुत ही प्यारी सी रेसिपी सीखी है आप सब लोगों ने राहत के किचन से, दाल माश गोश्त और उसके साथ सीखे हरे भरे नान। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप सबको देखना होगा मेरा रेसिपी कार्ड। दाल माश गोश्त बनाने के लिए आपको चाहिए होगी दाल माश 250 ग्राम या एक पाव गोश्त आपको चाहिए 500 ग्राम। इसको उबाल लीजिएगा जो मैंने पहले भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं। कुकिंग ऑयल चाहिए आपको हस्बे ज़रूरत, प्याज एक अदद चाहिए, लाल मिर्च का पाउडर 2 चाय के चमचे, साबुत लाल मिर्चें आपको चाहिए 4 से 5 अदद, ब्लैक पेपर कॉर्न 6 से 8 अदद, और लौंगे मेथी इसमें 4-5 लौंगे डाल दीजिएगा। टमाटर आपको चाहिए होंगे 2 से 3 अदद, नमक है हस्बे जायका, और साबुत काली मिर्च पिसी हुई जो है वो है 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर है 1 चाय का चम्मच, हरा पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक हस्बे ज़रूरत है। और इसके अलावा बघार बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए होगा देसी घी आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, प्याज 1 अदद लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा आपको 2 चाय के चमचे चाहिए, असफ़तीदा या हींग आपको चाहिए, पिंच ऑफ ग्रीन चिलीज 2 अदद, 2 से 3 अदद ले सकते हैं, और गरम मसाला पाउडर चाहिए होगा आपको 1/2 चाय का चमचा, जो मैंने बघार में सारी चीज़ें डाली हैं, ठीक है भाई। और पुदीना थोड़ा सा और डालना चाहें तो ज़रूर डालें, इस दाल में पुदीना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें पुदीना, और इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। यह जी पुदीना। चलिए जी, भाई लोगों ने कहा राहत खाना हो चुका है तैयार और खाना खाने का हो गया है टाइम, तो आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल बहुत ही प्यारी रेसिपी के साथ। क्या बनेगा ये सभी जानते हैं कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आपसे मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।